बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर हुसैन फ्रॉम सीसीयू सेकेंडरी स्कूल कोटा 2, क्लास 6 मैथ का आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हमने इस रेशो को डिस्कस करना है। सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन है, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। यानी दो एक जैसी मकदारों के दरमियान मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है। कंडीशन ये है कि दो एक जैसे क्वांटिटीज़ होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वांटिटी किलोग्राम में है तो दूसरी क्वांटिटी भी किलोग्राम में होनी चाहिए। फ़र्ज़ किया अगर एक क्वांटिटी ग्राम में है तो दूसरी क्वांटिटी भी ग्राम में होनी चाहिए। यानी कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़, दो एक जैसी मकदारों के दरमियान ताल्लुक को देखना है हमने। इसके बाद इसका सैम्पल है, ये दो डॉट लगे हुए हैं, सैम्पल ऑफ रेशियो, ये रेशियो का सैम्पल है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ए रेशियो बी और ए 1:2। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। ए रेशियो बी में जो भी, फॉर एग्जांपल जो भी रेशियो, जैसे 1:2 है, 1 इज एंटीसीडेंट एंड 2 इज कॉन्सिक्वेंट। अब हम किसी रेशो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म, फॉर एग्जांपल रेशो फॉर्म ए रेशो बी है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म, ये जो पहला इंटीजर होगा एंटीसीडेंट होगा, इसे हम लिखेंगे न्यूमिरेटर में और कॉन्सिक्वेंट को डिनोमिनेटर में। तो ए रेशो बी को हम लिखेंगे ए ओवर बी। इसमें ए न्यूमिरेटर है और बी डिनोमिनेटर है। तो हमने रेशो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू रेशो फॉर्म। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इनको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला है 3/4, ये न्यूमिरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमिरेटर को हमने एंटीसीडेंट लिखना है और डिनोमिनेटर को हमने कॉन्सिक्वेंट लिखना है। 3/4 को हम लिखेंगे 3:4, यानी न्यूमिरेटर एंटीसीडेंट बन जाएगा और डिनोमिनेटर कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। इसी तरह 2/7, इसे लिखेंगे 2:7, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये उसकी रेशो फॉर्म है। 9/11, इसे हम लिखेंगे 9:11। पार्ट 4 है, 1/13, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो 1:13, ये इसकी रेशो फॉर्म बन गई है। पार्ट 5 है, 5/6, इसकी रेशो फॉर्म बनेगी 5:6। पार्ट 6 है, 8/13, इसकी रेशो फॉर्म बनेगी 8:13। पार्ट 7 है, 14/23, फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 14:23। पार्ट 8 है, 10/99, इसे हम लिखेंगे 10:99। पार्ट 9 है, a/b, इसे लिखेंगे a/b। लास्ट पार्ट है, x/y, इसे लिखेंगे x/y। तो इस तरह हमने फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो फॉर्म में चेंज कर दिए। फ्रैक्शन फॉर्म में जो न्यूमिरेटर होता है ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये सेकंड एलिमेंट बन जाता है। फर्स्ट एलिमेंट को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में क्या है, ए रेशियो बी को क्या लिखा है, a/b, यानी एंटीसीडेंट को न्यूमिरेटर बना देना है और कॉन्सिक्वेंट को डिनोमिनेटर राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2:3, इसे लिखेंगे 2/3, ये रेशियो फॉर्म थी, अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर दिया। सेकेंड पार्ट है 7:4, 7/4। पार्ट थर्ड है 19:20, इसे लिखेंगे 19/20, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है। 99:100, तो इसे लिखेंगे 99/100, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। 1:10, इसे लिखेंगे 1/10।
पार्ट सिक्स है 4.1:5.2। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे 4.1/5.2, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। ए रेशो बी, इसे लिखेंगे हम a/b। इसी तरह लास्ट पार्ट एक्स रेशो वाई, इसे लिखेंगे x/y। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेशो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने रेशो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैंसिलेशन करनी है। अब फर्स्ट पार्ट देखें 3:9, इंटीजर्स लिखे हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने कैंसिल करना है एक ऐसे टेबल के ऊपर जो दोनों के ऊपर डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें एग्जैक्टली। अब 3 और 9, ये 3 के ऊपर डिवाइड होता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो इसकी सिंप्लीफाई के लिए हम इसे डिवाइड बाई 3 पे डिवाइड कर दें। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 1:3:9 की इसको जब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1:3 आएगा। सेकंड पार्ट है 25:40। अब 25 और 40 को देखें, ये किस टेबल के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, तो ये 5 के ऊपर दोनों एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 5, 5 5s are 25, 5 8s are 40। अब फिर ये 5:8 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है, मज़ीद ये किसी टेबल के ऊपर दोनों एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3, 1:4:1:6। जब सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जब क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेके उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। अब 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12 दी एलसीएम ऑफ 4 और 6, दी एलसीएम ऑफ 4 और 6, 4 और 6 के एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 12 × 1/4 = 12 × 1/6। कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3 1s are 3, 2 1s are 2। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया 3:2। जब कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर कैंसिलेशन करनी है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 3:2। ये भी सेम क्वेश्चन है 1:1:7। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1/7 = 7 × 1/7। 7 1s are 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 × 1, 1। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 7:1। पार्ट 6 है, अब ये भी देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है, 5:2/3, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा। अब दोनों डिनोमिनेटर 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, दी एलसीएम ऑफ 1 और 3, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, 3 × 5:3 = 3 × 2/3, 3 5s are 15 = 3 1s are 3, 2 1s are 2, 15:2। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 15:2। पार्ट 7 है 1:3:3.9। जब क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाए तो सबसे पहले उनका पॉइंट ख़त्म करना है, तो इसका 1.3 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये बन जाएगा 13:10।
ये भी ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे 39/10, यानी जो पॉइंट ख़त्म करते हैं बट्टा में पॉइंट की जगह 1 लिखा जाता है, आगे जितने नंबर्स हों उतने 0 लगाए जाते हैं। तो इसमें एक नंबर था, एक 0 लगी, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक 0 लगा दिया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, इस तरह का क्वेश्चन बन गया। इनका 10 और 10 दोनों का एलसीएम 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 × 13/10 रेशो 10 × 13/10, 10 से 10 कैंसल, 13 रेशो ये 39 है, 13:39। अब फिर देखें मज़ीद, ये दो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये एक ही टेबल के ऊपर कैंसिल होते हैं, 13 के ऊपर दोनों कैंसिल होते हैं, तो मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर दें, डिवाइडेड बाई 13, इसको डिवाइडेड बाई 13, 13 के ऊपर डिवाइड कर दें, 13 × 13 रेशो 13 × 39। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 1:3। फिर देखें जब पॉइंट हो पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी, फिर उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फिर भी मज़ीद किसी एक टेबल के ऊपर दोनों कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करके हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.02:0.4। अब इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 2/, पॉइंट के नीचे 1 आएगा, आगे दो नंबर हैं तो 2 0, रेशो 4/10। अब इनके डिनोमिनेटर में 10 और 100 आ गया, इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, द एलसीएम ऑफ 100 and 10, 100 और 10 के एलसीएम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 2/100 रेशो 100 × 4/100, 100 से 100 कैंसल, 10 × 10 = 100, तो ये आएगा 2 × 1 = 2 रेशो 4 × 10 = 20, 4 × 10 = 40। अब देखें फिर 2:40 आ गया, ये फिर भी 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 20 = 40, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी 1:20। पार्ट 9 है, 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/8, इसके 3 डिनोमिनेटर्स हैं, इन तीनों का एलसीएम 24 आएगा, तो तीनों का एलसीएम 24 है, उस 24 से सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 24 दी एलसीएम ऑफ 4, 6 and 8, 4, 6 और 8 के एलसीएम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 1/4 रेशो 24 × 1/6 रेशो 24 × 1/8, तीनों को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिलेशन करें, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 × 1 = 4, 6 × 4 = 24, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। अब ये बन जाएगा 6 × 1 = 6, 4 × 1 = 4 रेशो 3 × 1 = 3। अब ये तीन नंबर्स हैं और ये किसी एक टेबल के ऊपर कैंसिल नहीं होते, तो लिहाजा ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, 6:4:3। क्वेश्चन नंबर 10 है, 75:100:125, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, इसी तरह है। अब इसमें 3 के दरमियान रेशियो है, तो ये देखें तीनों 5 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो हम इसे लिखते हैं डिवाइड बाई 5, 5 के ऊपर डिवाइड करें, 5 × 1 = 5, 2 कैरी चला जाएगा, 25, 5 × 5 = 25 रेशियो, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 5 × 2 = 10, 2 कैरी, 5 × 5 = 25। अब देखें ये बन गया, इसके 5 के ऊपर डिवाइड किया है तो 15:20:25, फिर मज़ीद भी ये 5 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, तो मज़ीद इसको हम डिवाइडेड बाई
फाइव के ऊपर डिवाइड कर दें, 5 3 15, 5 4 20, रेशो 5 5 25। तो ये आ गया 3:4:5। अब मज़ीद किसी एक टेबल के ऊपर तीनों एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 3:4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2:0.4:0.6। सबसे पहले ये पॉइंट में है, इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे 2:10:4:10:6:10। अब देखें डिनोमिनेटर में 10 आ गया, इनका एलसीएम 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 × 2/10 ratio, 10 × 4/10 ratio, 6 × 10 × 6/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 × 1 = 2 ratio, 4 × 1 = 4 ratio, 6 × 1 = 6। अब देखें 2:4:6, ये तीनों 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, तो इसे हम मज़ीद डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 के ऊपर डिवाइड करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये इसमें 1:2:3 आ गए, 1:2:3, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन है 1/10 ratio 1/100 ratio 1/1000। ये क्वेश्चन था लास्ट, 1/10 ratio 1/100 ratio 1/1000। अब इसमें डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, इन तीनों का एलसीएम 1000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 × 1/10 ratio, 1000 × 1/100 ratio, 1000 × 1/1000। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 100 × 1/100 ratio, 20 से 20 कैंसिल, 10 बाकी बचा है, 10 × 1/10 ratio, 1000 से 1001। अब आ गया है 100 ratio 10 ratio 1। अब मज़ीद ये किसी एक टेबल के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है 10 ratio 100 ratio 10 ratio 1। आज हमने 6.1 एक्सरसाइज का पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।